आयु के पास सुनके जिसु अपने सिर पे हाथ मार लेती है और बेजान से सोफे पे बैठ जाती है। उसे अच्छे से समझ आ गया था आयु क्या कहना चाह रही थी। जंगकुक के बहुत दुश्मन थे, खास तौर पे थे युनजुन। इसीलिए जंगकुक अपने परिवार का पूरा सेफ्टी का ध्यान रखता था। इतना जरूरी बात हम कैसे भूल गए अपने एक्साइटमेंट में, हमें याद भी नहीं रहा। हमें बाहर जाने के लिए भाई से भी पूछना पड़ेगा, जिसु उदास होके कहती है। अरे तो क्या हुआ, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, तो अभी फोन करके मिस्टर जंगकुक से पूछ लेते हैं। ताई जो इतना देर से सुन रही थी वो आगे आकर बोलती है। उनकी बात सुन के आयु की आंखों में चमक आ जाते हैं, जैसे कि उसे कोई कहनूर मिल गया हो। लेकिन अगले ही पल वो फिर से मुंह फुला के बैठ जाती है। आयु की हरकत पर जिसु ताई फिर से चौंक के देखती है। अब क्या हुआ आयु, तुम फोन क्यों नहीं कर रही हो, ताई हैरान से पूछती है। क्योंकि मुझे भाई से डांट नहीं सुननी है, आयु बोलती है। मतलब, ताई हैरान से पूछती है, मतलब ये है कि एक बार मैंने भाई को ऑफिस उनसे कुछ पूछने के लिए फोन किया था, तो भाई ने मुझे बहुत डांटा था। उन्हें मुझे बहुत कहा, जब तक कोई जरूरी बात ना हो तब तक कोई मुझे फोन नहीं करेगा, और आप सब चाहते हैं कि मैं उन्हें फोन करूं और पूछूं कि भाई हम मस्ती करने के लिए एंड घूमने के लिए बाहर जा सकते हैं। भाई मुझे फोन से निकल के मुझे इतना डांटेंगे कि अगले जन्म तक अपने फोन का शक्ल तक नहीं देख पाऊंगी, आयु डरते हुए अपने सारी राम कथा सुना देती है। इतने ही सुनकर ताई जिसु भी डर जाती है, क्योंकि वो भी अच्छे से जंगकुक का गुस्सा जानती थी। ये तो बात है, वो शैतान मिस्टर जंगकुक गुस्से में लाल आंखों वाले शैतान बन जाते हैं ना, जिसे देखकर कोई भी पल भर के लिए अपने सांस लेना भूल जाएंगे, ताई अपने मन में कहती है। यही तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अब क्या करें, जिसु बोलती है। मैं बताती हूँ, पहले ऑप्शन तो ये जंगकुक भाई से फोन करके बाहर जाना, परमिशन लेना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी ऑप्शन और सबसे सेफ ऑप्शन ये है कि अपने प्लान कैंसिल करके अच्छे बच्चे की तरह घर पे रहे, जो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, आयु दांत दिखाते हुए कहती है। ये सुनते ही ताई जिसु एन उसे घूरने लगते हैं। आयु उन्हें देखकर चुपचाप से बैठ जाती है। बाहर तो हम जाएंगे, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, ताई कुछ सोचते हुए कहती है। बिल्ली के घंटी, ये आप क्या बोल रहे हैं ताई, जिसु ना समझे उसे देखते हुए कहती है। जिसु के बात सुन के आयु की हंसी छूट जाती है। जिसु जब उसे घूर के देखते हैं, तब आयु चुपचाप हो जाती है, लेकिन उनकी हंसी नहीं रुकते हैं। मतलब ये है कि हम तो बाहर जाएंगे, लेकिन इनके लिए हम मिस्टर जंगकुक को भी पूछना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि हम तीनों में से मिस्टर जंगकुक को फोन करके कौन पूछेगा, ताई बोलती है। ये सुनते ही जिसु और आयु का चेहरे पे 12 बज जाते हैं, जो कि चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल ऐसे करने वाली नहीं है। दीदी, आप अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं, आयु चुपते हुए कहते हैं। जी हाँ, और इसका एक बहुत ही परफेक्ट आइडिया मेरे पास है, ताई खुश होते हुए कहती है। कैसा आइडिया, जिसु बोलते हैं। पहले ये बताओ, दादी आज कहीं जाने वाली थी ना, क्या वो गई, ताई कहती है। नहीं, अभी तो नहीं गई है, लेकिन दादी अभी कुछ देर में ही अपने किसी दोस्त से मिलने जाने वाली है। पर इस सब से दादी का क्या मतलब है, आयु हैरान से बोलती है। मतलब है, बहुत बड़ा मतलब है, ताई मुस्कुराते हुए कहती है। कैसा मतलब, जिसु कहती है। वो ऐसे है कि अभी जब कुछ देर बाद दादी अपने कमरे से बाहर आएगी, तो जैसे ही वो कमरे से आएगी और अपने सामने हम तीनों को देखेगी, हम में से जिनका किसी का नाम सबसे पहले दादी बुलाएगी, वही मिस्टर जंगकुक को फोन करके हम सबके बाहर जाने की परमिशन लेगा। तो मेरे आइडिया कैसा लगा, ताई अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए कहते हैं। वाह दीदी, आपको तो मान गए, आपका आइडिया बिल्कुल आपके ही तरह गजब है, आयु खुश होते हुए कहती है। तो सब रेडी है, जिसु बोलती है। सभी अपने गर्दन में हाँ हिलाती है एंड दादी के इंतजार करने लगते हैं। उन तीनों के दिल बहुत तेज से धड़क रहे थे एंड उनके पूरे चेहरे पर पसीना आ रहा था। पता नहीं दादी किसके नाम लेने वाली थी, लेकिन ज्यादा डर तो जिसु आयु को लग रहा था, क्योंकि ताई को यहाँ आए कम टाइम हुआ था। तो दादी उन दोनों के नाम किसी काम के लिए ना कह दे,
कुछ देर के बाद दादी कमरे के दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही आवाज सुनकर तीनों के दिल धड़कने लगते हैं। कमरे से बाहर आते दादी की नजर सामने ताई आयु जीसु पर जाते हैं, जो उनको ही एकटक देखी जा रही थी। दादी उनके पास आने लगती है। जैसे जैसे वो नजदीक आ रही थी वैसे उन तीनों का हार्ट बीट तेज हो रहा था। ताई वो दादी इतने ही बोला था कि जीसु एन आयु खुशी से चिल्ला पड़ी। जैसे ही ताई अपने नाम सुना उनके धड़कन ही रुक जाते हैं। उसको तो उस शैतान से बात करने के ही नाम पर चक्कर आने लगा है। उन दोनों को ऐसे चिल्लाते देखकर दादी चौंक जाते हैं। अरे आप दोनों को क्या हुआ? दादी बोलते हैं, कुछ नहीं दादी, आप बताइए आप कुछ कह रहे थे। ताई अपने आप को संभालते हुए बोलती है, हाँ बेटा हम ये कहने आए थे हम बाहर जा रहे हैं, इसीलिए आप तीनों अपना ध्यान रखिएगा। दादी ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही ताई अपने सिर पकड़ कर सोफे पे बैठ जाती है। आप उस बिल्ली मतलब मिस्टर शैतान बिल्ली के गले में घंटी बांधने का बड़ा शौक था ना, आप बांधो। ताई अपने सर पकड़ के मन में कहती है, जंको ग्रुप इंटरेस्टिंग। आज लिसा पूरे प्लान करके आई थी कि उसे जंको को कैसे अपने बातों से भड़काना है, एंड कल रात उसके साथ जो भी कुछ उनके बहन और ताई ने किया था उसको सारे सच जंको को बताना था। उनके जंको से अच्छे से क्लास लगवानी थी। अब तुम सबको पता चलेगा मिसेस लिसा क्या चीज है, अगली बार मेरे सामने आने से बचोगी, लिसा अपने मन में कहते हैं। एंड उनके चेहरे पर टेबल स्माइल आ जाते हैं। लिसा लिप से चंकू के केबिन वाले फ्लोर पर आती है एंड वो सीधे चंकू के केबिन की ओर चली जाती है। वो जैसे ही चंकू के केबिन के अंदर जाने वाली होती है तभी केबिन के बाहर खड़े चंकू का बॉडीगार्ड उसे वहीं रोक देते हैं। लिसा उसे गुस्से से देखते हैं क्योंकि उसे चंकू के केबिन में जाने के लिए आज तक किसी ने भी नहीं रोका था। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आप वहां जाकर वेट कर सकते हैं, जैसे ही सर आपको अंदर आने के लिए कहेंगे मैं आपको बता दूंगी, बॉडीगार्ड बोलते हैं। लिसा की उसके बात सुन के बहुत गुस्सा आ रहे थे लेकिन लिसा उस समय कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जंकुक का ऑफिस था। अगर वो हंगामा करती तो जंकुक के नजर में क्या इज्जत रह जाती, और अभी तो उसे बहुत ध्यान से सब कुछ करना था। लिसा गुस्सा में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है एंड सामने एक सोफे पे बैठ जाती है। एक एक से अपने इंसल्ट का बदला लूंगी, पहले आज उन तीनों को दिखाऊंगी, लिसा गुस्सा में अपने मन में कहती है क्योंकि जंकू के ऑफिस में उनकी ऐसी इंसल्ट पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ देर के बाद लिसा को जंकू के केबिन में जाने की परमिशन मिल गया था। जंकू आपको पता है कल आपके घर में जो भी कुछ हुआ था, तुम्हारे घर के लोगों शामिल थे, जिसे आयु एंड वो लड़की ताई, उन सब ने जानबूझ के मुझे डराया था, आप उन सब को इन हरकतों के लिए सजा देंगे, लिसा अंदर आते हुए सब जंकू को बोल देते हैं। ये सुनते ही जंकू को बहुत गुस्सा आ जाते हैं। लिसा ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जंकू तुरंत ही जेहो को बुलाते हैं एंड ये सब देखकर लिसा के चेहरे पर एक टेबल स्माइल आ जाते हैं। मैडम आप अंदर जा सकते हैं, एक आदमी उसे आते हुए बोलते हैं। तब लिसा अपने होश आवाज में वापस आते हैं। वो खुली आंखों से ही सपना देखने लगी थी और अपने आप को ठीक करके फुल एटीट्यूड स्टाइल और मुस्कुराते हुए चंकू के केबिन में जाती है। जैसे ही लिसा अंदर आती है तो सामने हमेशा की तरह चंकू का हैंडसम फेस देखकर लिसा की आंखों में चमक आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल जेहोब को वहाँ देखकर उसे गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि उसे जंकुक से अकेला बात करना चाहती थी, पर वो जंकुक को जेहोब को बाहर भेजने के लिए भी नहीं बोल सकती थी। लेकिन जैसे ही जंकुक की नजर लिसा पे पड़ते हैं तो उसे जीसु की कही गई बात याद आ जाते हैं। भाई अपने ताई के साथ अच्छा नहीं किए, हम भी तो उनके साथ थे, वो अकेली नहीं थी, ये सब हम खुद ही किए थे क्योंकि वो आपके प्यारी लिसा हमारे सामने आयु के नौकरानी और बहुत सारे उल्टे सीधे बोल रही थी। उसने जेहोब को बहुत बुरा भला भी कहा था, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए हमने ये सब किया और हमें इसके लिए बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं। उसे याद आते हैं कि उसने ताई से कितने रूठली बात किया था। ये सोचकर चंकू का चेहरा गुस्से से लाल हो जाते हैं। हेलो मिस्टर चंकू कैसे, लिसा बोल ही रही थी
मिसेस लिसा, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बेटर होगा कि आप मुझे सर ही बोले, जंकुक उसे बीच में रुकते हुए कहते हैं। ये सुनते ही लिसा का चेहरा देखने लायक था। उसे जंकुक के बात सुन के थक्का सा लगा। व्हाट जंकुक, हम फ्रेंड हैं। मिसेस लिसा, मैं तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? तुम सिर्फ जंकुक इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हो और मैं यहाँ का ओनर हूँ। बहुत सारी एम्प्लॉय के बीच में दोस्ती नहीं होती है, जंकुक अपने चेहरे सख्त करते हुए कहते हैं। उनके बात सुन के लिसा का चेहरा हैरान और शोक से बिल्कुल उतर गया था। वो उसे एक टक से देखने लगी थी। मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? जंकुक उसे अपने तरफ देखते हुए गुस्से से और ज्यादा तिलमिला जाते हैं। उनकी आवाज सुनते ही लिसा डर जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंकुक इतना गुस्सा में क्यों है। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तुम यहाँ से जा सकती हो, जंकुक बोलते हैं। ये सुनते ही लिसा अपने जगह में जम जाती है। कुछ कहना चाहती थी लेकिन उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सर, मुझे ये बताना था कि कल आपके घर में जो भी कुछ हुआ था उसमें आपके घर के लोगों शामिल थे। आयु, जिसु एंड वो लड़की ताई, उन सब ने जानबूझ के मुझे डराया था, लिसा घबराते हुए कहते हैं। जो कुछ कल हुआ मुझे उनके बारे में सब पता है, जंकुक शांत लिहाज में बोलते हैं, लेकिन उसकी आवाज ही सामने वाले को डराने के लिए काफी था। लिसा को ये सब सुनकर झटका लगते हैं। तो आपने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, लिसा बोलते हैं। रियली मिसेस लिसा, लेकिन तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? मेरी परिवार के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम एक लड़की हो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो अपने पैर पर इस वक्त मेरे सामने खड़ा नहीं होता। आज के बाद तुमने दोबारा ऐसा कुछ करने की हिम्मत, दूर के बाद ऐसा सोचा भी तो इसका अंजाम तुम सह नहीं पाओगी। तुम मेरे नजर के सामने से दूर हो जाओ, जंकुक गुस्से में बोलते हैं। लिसा बहुत ज्यादा डर जाती है। आई एम सॉरी सर, आइंदा मुझसे ऐसे गलती नहीं होंगे, प्लीज फॉर गिव मी, लिसा झूठे रोते हुए बोलती है। उनका रोना देखकर जंकुक उससे ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भी इस वक्त लिसा का शक्ल नहीं देखना चाहता था। वो जेहोप को इशारा करते हैं। जेहोप जल्दी से लिसा को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं। वो उसे बहुत मुश्किल से केबिन से बाहर निकालते हैं। बाहर आते ही लिसा की आंखों गुस्सा से लाल हो जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछ लेती है। मिस्टर जंकुक, तुम कुछ भी कर लो, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि अभी तुम नाराज हो, तुम्हें जल्दी ही मना लूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो, अब तुम्हें मेरे होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लिसा अपने मन में कहती है। इस वक्त वो किसी सनकी इंसान से कम नहीं लग रही थी। जंकुक मेशन, हाँ तो मेरे प्यारे ताई दीदी, चलिए अपना फोन लीजिए और जंकुक भाई को कॉल लगाइए, आयु मुस्कुराते हुए कहते हैं। ताई उसे घूर के देखती है लेकिन आयु पर कोई असर नहीं होता है। ताई अपने मोबाइल हाथ में उठाती है। हे भगवान, कहाँ फंस गई? आज जो मेरे साथ हुआ इसको देखकर कहावत बनती है, आओ बेल मारो मुझे। दादी वाला आइडिया मेरे ही ऊपर उल्टा पड़ गया है। मैंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, उस शैतान मिस्टर जंकुक से कैसे बात करूं? ताई अपने मोबाइल को देखते हुए मन में कहती है। ताई फोन कीजिए, एक मिनट, आपके पास तो भाई का नंबर होगा ना? अगर नहीं होगा तो मैं बताती हूँ, आप टाइप कीजिए, जिसे बोलती है। ताई कांपते हुए हाथों से मोबाइल नंबर टाइप करने लगी। जैसे ही नंबर टाइप कर रही थी वो एक लंबी सांस लेकर नंबर को डायल कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो स्क्रीन पे कुछ ऐसे देख लेती है कि उनके सांस अटक जाती है और आंखों हैरान से फैल जाते हैं। ताई के मोबाइल के स्क्रीन पर माई लव कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। ताई का माथा घूम जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जंकुक के नाम उसके मोबाइल इस नाम से कैसे सेव हो गया है। उसने तो आज तक पहले कभी भी जंकुक को कभी फोन नहीं किया था। करना तो दूर के बाद उसपे तो जंकुक का नंबर तक भी नहीं था। इससे पहले जंकुक के मोबाइल पर रिंग जाता,
ताई तुरंत ही वापस सेस में आती है। एन जल्दी से फोन कट कर देती है, फिर जल्दी से अपने गर्दन सामने की ओर देखती है। करें जिसु एन आयु ने उनके मोबाइल पर ये तो नहीं देख लिया, लेकिन वो तो सही थी क्योंकि वो दोनों पहले से ही अपना नजर बाज की तरह उस पे गराई बैठी थी। इससे पहले वो दोनों बेचारी कुछ देख पाती, ताई अपने मोबाइल को कवर कर लेती है। क्या हुआ ताई, आपने भाई को क्यों नहीं फोन किया? जिसु हैरान से बोलती है। हाँ दीदी, ये तो गलत बात है ना, दादी ने सबसे पहले आपका नाम लिया था, तो भाई को फोन आपको तो करना ही पड़ेगा, आयु बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहती है। अरे मैं तो कब मना की, मैं तो कर ही रही थी, देखो, ताई अटकते हुए कहती है। हाँ तो जल्दी कीजिए, जिसु बोलती है। हाँ बस कर रही हूँ, ताई बोलती है। हाँ कहाँ फंस गई वो शैतान, ना इस घर में और ना ही घर के बाहर, कहीं भी मुझे शान से नहीं रहने देते हैं, ताई मन में गुस्सा करते हुए कहती है। इस बार ताई अपने फोन को उन दोनों को छुपाते हुए कपते हुए हाथों से जंकू को नंबर डायल करते हैं। उसकी नजर फिन से स्क्रीन पर लिखी हुई माय लव पर चली जाती है। इसको पढ़ते ही पता नहीं क्यों, लेकिन ताई के दिल तेज तेज धड़क रहा था, उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। इधर जंकू अपने केबिन में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी उनके फोन रिंग करने लगता है। वो जैसे ही अपने फोन उठा के देखते हैं, तो उस पर फ्लैश हो रहा नंबर को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाते हैं। उनका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है। जैसे ना जाने कितना वक्त से इसी का इंतजार कर रहा था। उसने अपने मोबाइल में ताई के नाम स्वीट हार्ट से सेव किया था। हेलो माई लव, जंकू फोन पिक करते हुए एक मुस्कान के साथ कहते हैं। जंकू ने अभी जो कहा उसे सुनकर ताई के कान गर्म हो जाते हैं। उनका दिल अपने नॉर्मल स्पीड से भी ज्यादा तेज धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर पर एक साथ हजारों घंटी बज रहा हो। जिसु एन आयु उनके चेहरे पे आ जा रहे भाव को एकदम देखी जा रही थी। अचानक ताई के नजर उन दोनों पे जाते हैं। अपने को ऐसे घूरते हुए देखकर वो हड़बड़ा जाती है और बड़ी मुश्किल से अपने बढ़ते हुए धड़कनों को संभालती है। किन तभी उनका ध्यान जंकू के बोले वाले शब्द पर जाते हैं, सेम वही जो उनके मोबाइल पर थे। इसका मतलब ये सब किया धरा इस शैतान मिस्टर जंकू का है। मतलब ये इतना बेशरम है कि किसी लड़की के मोबाइल को छेड़ना और उसमें अपना नाम भी अपनी तरह से बेशरम वाला सेव कर देना, और बंदा का हिम्मत भी देखो, महा बेशरम से इस सब बोल भी रहा है। ताई मन ही मन में जंकू को कोसने लगती है। ताई तो ये सब क्या बोल रही है, जिनके बारे में सोच रही है वो ऐसे ही है, वो अपने आगे कहाँ किसी का सुनता है, सब उनका ही सुनना पड़ता है। मन तो करता है मिस्टर जंकू को मार मार के कचुम्बर निकाल दूं, लेकिन भगवान आपने किस्मत इतना अच्छा क्यों नहीं लिखा, बेचारी सिर्फ मन में अपने दर्द बयान कर सकती थी। हेलो मिस्टर जंकू, ताई जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि वहाँ बिल्कुल उनके सामने उनके शैतान जो दो बहन बैठी थी और उनके सामने वो चाहकर भी जंकू को कुछ नहीं कह सकती थी। ताई के इतना प्यार से बोलने से जंकू चौंक जाते हैं। वो अपने मोबाइल को कान से हटाकर अपने सामने लाकर देखते हैं कि ये ताई का नंबर है कि भी नहीं। वो देखते हैं कि नंबर तो ताई का ही है, लेकिन इस लड़की को क्या हुआ? जहाँ तक उसे अच्छा से पता था, ताई अपने मोबाइल पर जंकू का नंबर माई लव लिखा देखेगा तो उसे बहुत गुस्सा करेगी। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टा ही तरफ बह जा रहा है। मिसेस ताई तुम ठीक हो ना? जी मिस्टर जंकू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? ताई मुस्कुराते हुए बोलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, अभी इस वक्त जिसुएन आयु नहीं होती तो मैं इस शैतान को अच्छा से सबक सिखाती, ताई अपने मन में कहती है। रियली जंकू अपने आईब्रो को आपस में मिलाते हुए कहते हैं। अब तो उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जी मैंने आपसे पूछने के लिए फोन किया था, ताई बोलते हुए रुक जाती है, क्योंकि उसे आप बोलने में डर लग रहा था। जैसे अभी थोड़े देर पहले जिसु एन आयु बता रही थी, जब तक कोई जरूरी बात ना हो
तब तक जंकू को कोई फोन नहीं कर सकता। जंकू को पसंद नहीं है कि ऑफिस में उसे बेवजह डिस्टर्ब करे।